से रंग लगा के आया है आए, काला बंदरिया बन के, लाल लाल बंदरिया लगा लगा रंग लगा जाओ। अभी तुम्ही को रंग लगाएंगे बहुत सारा, पूरा पूरा रंग लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, और फिर उसको नहाएगा रगड़ रगड़ के। उठो ना। हे गाइस, आज होली है और सुबह सुबह ही घर में बहुत सारे लोग आए थे और इस मोटे को पूरा रंग लगा के गए, पूरा नहला के गए हैं। अभी मोटा फेस धो करके आ गई है। मैं इसका एक रिकॉर्डिंग ले चुका हूँ, वो वीडियो में जरूर अटैच करूंगा, आप लोग जरूर देखना। मैं अभी दिखाता हूँ इसको, इसको देखो, ये देखो इसका चेहरा अभी भी कैसे लाल लाल लगा हुआ है। इधर आओ, ये देखो ये देखो। अरे इतना बदबू मार रही है ना ये, मत पूछ। अच्छी ओके दोस्तों, तो यहाँ पे होली का सब नीचे में बहुत लोग होली खेल रहे थे, ये तो बहुत कम है, बहुत लोग होली खेल चुके थे और हम ही लोग बहुत लेट शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी का बहाव आप देख सकते हो, ये सारे बच्चे होली 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 नीचे, बहुत सारे नीचे की जो भी थी, सारे लेडीज लोग जितनी लड़कियाँ हैं सब होली खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। और ये देखो जा रहा था, ये कुछ लाने को जा रहा था तो इसको रंग कोई लगाया नहीं था, मैं दीपक के देव को, तो देखो सुशांत को लोग यहाँ पे सब जो भी अबीर वगैरह लगाए थे, कुछ कलर्स लगाए थे। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आई थी मुझे रंग लगाने के लिए। लेट सो क्यों उठे क्या? हैप्पी होली। अरे लगा लगा नहीं, लगा हमारे तरफ बड़े को पैर नहीं लगाते लोग। हे गाइस, सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आज का होली कुछ ऐसा पुणे में निकल रहा है हमारा कि मतलब देख ही सकते हो कैसा सड़ा सा मुंह बन गया मेरा, क्या ही बताएं। सुबह सुबह हम सोए हुए थे और रात को हम लोग लेट सोए सुबह में, क्योंकि सुशांत का छुट्टी था तो हम लोग सोचे आराम से उठेंगे, तो उठेंगे क्या, सोया ही रह गया। 9 बज गया, पूरा दार पीटने लगा, कोई तो गेट पीट रहा, गेट पीट रहा। मैं बोली ऐसा क्या हो गया गेट पीट रहा, सुबह सुबह नीचे की मानसी लोग हैं जो भी क्या नाम है सानिका लोग। मैं सोची कि चलो ऐसे बच्चे कभी कभी गेट पीटते हैं, सानिका भी ऐसे गेट पीटते हैं, मुझे लगा कुछ तो काम होगा, खोलती हूँ मैं गेट खोली, मैं देखी सारे लोग यहाँ हाथ में कलर लेके सब रेडी थे लगाने के लिए भाभी जी को, तो सब ऐसे ऐसे सुबह में ही उठ के, मैं नींद में ही थी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था पहले तो कि क्या ही मेरे मुँह में लगा रहे लोग पूरा कलर कलर, समझ ही रहे हो आप। तो खैर कोई नहीं, होता है, होली है, जो भी है, बट ऐसे होगा मेरे साथ, ये नहीं सोचे थे। तो बस गेट खोले और ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो सभी लोग रंग लगा के गए, फिर नीचे में सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत रंग लगा रहे हैं, बहुत लोग डीजे वजे करके भी बहुत नाच रहे हैं, ये वो जो भी है। होली तो खैर हॉस्टल लाइफ का अलग ही होता था, जब हम लोग हॉस्टल में थे तो कॉलेज लाइफ में बहुत ही मस्ती करते थे हॉस्टल में, मतलब वार्डन तो पूरा नली खोल के देती थी कि हाँ भाई लो तुम लोग होली खेलो, सारे बच्चे पूरा होली खेलते थे, सारा पानी वेस्ट करते थे। और यहाँ पे तो मगन मालिक ने पानी बंद कर दिया है, अब देखो पानी बंद करने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे में लोग बहुत 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 होली खेल रहे थे, बहुत होली खेल रहे थे, पानी बहुत बर्बाद कर रहे थे, तो इसी वजह से बोल रहा भाभी बची हुई है, कहाँ लगाओगे, सब तो लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ है, सब बार बार मतलब गेट खोलते ही सारे लोग मस्ती मस्ती कर रहे हैं। अच्छा है होली है, वैसे हमारे बिहार यूपी साइड भी कल होली है, यहाँ पे आज ही होली लोग मना लिए, इधर अगजा के बाद ही सारे होली हो जाता है, हमारे तरफ तो आपको पता ही है बिहार यूपी और जो भी है, हमारे घर का होली का तो बात ही अलग है, जब तक नली में उठा के लोग पटकते नहीं तब तक उनकी होली खत्म नहीं होती है। तो ऐसा है कुछ, पिछले बार होली में हमारे यहाँ भी लोग बहुत धड़क्का मचाए थे और पिछले बार होली में हम घर नहीं जा पाए थे क्योंकि उस टाइम हम कोलकाता में ही आए थे, और जो भी होली के बाद ही क्या ही बताए कहानी, बस तो इस वजह से बस वैसे मन तो नहीं हो रहा था कुछ, तो वैसे होली में कोई मस्ती तो करता नहीं है लेकिन हाँ लोग देख लेते हैं, सब करते हैं, लगाते हैं, दूसरे को तो माहौल बन जाता है, तो हम भी सारे दुखों को पीछे छोड़ते हुए और अपना जो भी है लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, थोड़ा हम भी भैया को अपने हस्बैंड यानी सुशांत को भी भैया बोली, देखो ना यहाँ सब भैया बोलते हैं ना उसको, तो मैं भी ऐसे ही भैया बोलने लग गई हूँ, तो सुशांत को मैं क्या की तो ये तो हाथ छूट गया, अभी कलर तो हम लोग वैसे लाए नहीं थे, हम सिर्फ अबीर लाए थे, इतनी भूत लग रही हूँ, फ्रंट कैमरा से थोड़ा साफ साफ दिख रहा है और ऐसे देखो बैक कैमरा से कैसा दिख रहा है सकल, कुछ ऐसा है सकल का। और अभी हम सोच रहे हैं कपड़ा निकाल ले शाम को पहनने के लिए और शूट करने के लिए, क्या पहने को समझ भी नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर का ही कुछ देखती हूँ टॉप वगैरह कुछ भी तो निकालती हूँ, तो मैं शांत अभी गया, शांत क्या बोलते हैं ब्रांच गया है, उसके ब्रांचर का फोन आया था तो थोड़ा बहुत जो भी है उधर
ड्रिंक्स विंक्स सब कुछ तो करेंगे उधर लोग, मुझे पता है, बट मेरे हस्बैंड पीते नहीं है तो वो तो जाएगा बस ऐसे ही अबीर लगा के ही आएगा सूखा सूखा, मुझे पता है क्योंकि वो पीता नहीं है। और सब कुछ तो पार्टी करेंगे ये लोग, जो भी करेंगे पता नहीं, तो आके ही पता चलेगा। तो वो गया है अभी और हम लोग सोचे यहाँ पे आज कि चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो चिकन चुनाव ला के धो के रख दिया है और बिरयानी जो भी है मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद हम नहाने जाएंगे क्योंकि पानी नहीं आ रहा। मैं आपको बताया कि टंकी में पानी नहीं आ रहा, पानी बंद किया मालिक ने यहाँ का, कि लोग जब तक पानी बंद नहीं करेंगे ना ये लोग होली खेलते ही रहेंगे। तो पानी का भी वेस्टेज है, सही बात है, पानी बंद किया तो वैसे अच्छा किया, बट कोई नहीं यार, एक घंटे में पानी चला दो क्योंकि हमें नहाना है। अब देखो ना नहाने में ही सब पानी कितना बर्बाद करेंगे क्योंकि सारा का कलर से जो भी है चेहरा भूत बना हुआ है। तो ऐसा कुछ है, अरे पता नहीं फ्रंट कैमरा से ये थोड़ा हल्का दिख रहा है। अच्छा देखो हमारा शक्ल कैसा दिख रहा है, जो कि रियल में ऐसा ही है। रियल में देखो फेस ऐसा ही, मतलब पूरा कलर गंदा लग रहा है, बट फ्रंट कैमरा में थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। हम बनाएंगे आज चिकन बिरयानी सिंपल, ठीक है। और कल है होली हमारे साइड में, तो हो सकता है कि सुशांत को मैं थोड़ा बहुत कलर कर लगाऊंगी वैसे। तो आज हमने होली खेल लिया यहाँ पे, बगल में सबको मैंने रंग लगाया थोड़ा बहुत रंग, क्या हम लोग रंग खरीद के लाए नहीं थे, हम लोग अबीर लाए थे खरीद के, बट वही जो बच्चा सब है ना वो सब मेरे को भाई भाभी करके देखो सब कैसे पीछे से लगाए। मैं भैया को लगाने में व्यस्त थी, पीछे से ही मुझे बच्चे लोग लगा रहे हैं, बोल रहे भाभी है, मैं भी लगाऊंगा। देखो तो बच्चे पापा थे, तो होली में मतलब क्या ही बनाए, बहुत कुछ खाना बनना, बहुत कुछ, पूरे मोहल्ले के लोग आते थे होली के लिए, होली खेलने, और फिर उसके बाद अबीर वगैरह लगाने सब आते थे शाम में। हमारे यहाँ शाम में अबीर वगैरह सब बड़े को जो पड़े हैं उनको पैर में अबीर लगाते हैं हम लोग, और फेस में जो छोटे हैं उनको लगाते हैं, और एक दूसरे को होली मुबारक देते हैं। यहाँ पे क्या है कि सब अबीर से ही होली खेल लेते हैं, कलर से कम होली खेलते हैं, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भैया कभी हमारे यूपी बिहार में चलो, होली क्या होती है लोगों को पता चलेगी। तो ऐसा कुछ है, बट यहाँ पे लोगों ने बहुत मस्ती किया है, बहुत लोग पी करके भी, टन होकर के भी नाच रहे हैं, सब कर रहे हैं मस्ती, और बगल वाले में सब जो भी डीजे वीजे लगा के सब मस्ती कर रहे हैं, और हम अपना मस्ती करेंगे। सुशांत आएगा तो डीजे लगाऊंगी और खुद ही नाचूंगी क्योंकि हम दोनों खुद में ही मस्त रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस उतना भीड़ में उतना जो भी है डीजे सब मुझे बहुत बुला रहे, चलो चलो भाभी आओ रंग खेल ले को ऐसे वैसे। हमने यहाँ तो सुबह में पता है आपको, मैं सुबह में आपको दिखाती हूँ, सुबह में मैंने ये कपड़ा पहना था, ये पूरा कपड़ा रंग चुका है, ठीक है ना, ये पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है कलर से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कलर से पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है, और उसके बाद फिर सबको और होली खेलना था, नहीं रे बाबा बनाने दो। तो हम चलते हैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए, पहले कपड़ा निकाल के रखती हूँ कि मैं क्या पहन के वीडियो शूट करूँगी। तो मिलते हैं गाइस सुशांत आने के बाद। गाइस तो यहाँ पे हम भूज रहे हैं प्याज, और यहाँ चावल चढ़ाए हैं बिरयानी के लिए, और ये है चिकन जिसको हम बनाने वाले हैं। हमारा शक्ल जिसको मैं एक बार फेस वॉश कर चुकी हूँ, पता नहीं कौन सा कलर है, ये छूट नहीं रहा, पता नहीं कैसे वीडियो शूट होगा, मैं क्या बताऊँ आप। और ये देखो इतना सारा कपड़ा रखा है धुलने के लिए, ये कल ही गोता हुआ था, सुशांत ने बोला मैं सब धो लूंगा, मैं बोली उसको मत धो, मेरा पैर दर्द हो रहा था, बोला मैं धो लूंगा, उससे कुछ नहीं धुलाया, ऐसे ही छोड़ दिया। देखो कितना सारा कपड़ा हो गया, इसको सब धुलना है मुझे आज। तो ये देखो बाहर होली खेल के आया है दूसरी की बीवी के साथ, और आप देख सकते हैं इसको कैसे सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, दूसरी बीवी के साथ होली खेल के आया है, पता नहीं किसके पास गया था। और देखो छूटेगा ही नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा डार्क है तुम्हारा, सुना क्या, हाँ छूटेगा ही नहीं। तुम ले लो अपना हाथ में। देखो ना गेटी लगा के रख रहा उसको, उसको मुंह में लगा, मुंह में इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। और होली खेलेगा, आओ खेलेगा गनु, तुमको भी लगाएंगे, और खेलोगी होली, कल भी खेलोगी। क्या बोल रही है, ऐसा बंदा देखे आप जो खुद से ही होली में बोलता हो मुझे लगाओ रंग, इसको देखो ये बोल रहा है इसको लगाऊं क्या, और ये बोल रहा है लगाओ, देखो ना कलर निकल नहीं रहा फिर भी लगा रहा। तो शाम के 5 बज गए थे और पानी अभी तक नहीं आया, सुबह से हम लोगों ने कोई नहीं नहाया है,
यहाँ बिल्डिंग में बहुत लोग नहीं नहाए होली खेल के, सब पानी का वेट कर रहे। फिर हम लोगों ने नीचे फ़ोन किया तो फिर पानी स्टार्ट किए, तो फिर हम लोग नहाने गए थे। और ये देखो मैं फेस वाश से पूरा सब हटाई हूँ, रगड़ के सारा कलर में हटाई। फिर दोस्तों तो हम लोग नहा लिए सारा रंग छुड़ा के, लेकिन मेरा छुटा नहीं फेस का। लास्ट में जठार ने मेरे को रेड रंग लगाया, उसके बाद से आप देखो ये पूरा छुटा ही नहीं है। हाथ का तो छूट गया है थोड़ा सा बाका है, और इसको देखो इसका तो पूरा ही छुटा है, दिखाओ अभी मेरा छुटा ही नहीं है। तो हम लोग अब अपना खुद का थोड़ा बहुत अभी लगा के होली को समाप्त करेंगे और ब्लॉग को भी समाप्त करेंगे। और अभी हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम का वीडियो शूट करूँगी। ठीक है गाइस, तो हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिए और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, और हमारी होली ख़त्म हो गई। आप सबकी बीत गई, ख़त्म हो गई या फिर स्टार्ट होने वाली, क्योंकि हमारे तरफ तो होली कल है, यानी कि हमारे घर साइड में। तो इधर तो होली आज ख़त्म हो गई, बहुत लोगों को हमने अभी भी लगाया। और अपना खुद का फिर से शाम को फिर से नहाए, रूम पूरा साफ किए, पूरा पोछा झाड़ू सारा कपड़ा धुले, उसके बाद से फिर हम लोग अपना वीडियो शूट कर रहे थे। और वीडियो शूट हो गया, और ये देखो मैं क्या पहनी, तो वीडियो शूट मेरा हो गया। इतना सा कपड़ा भी धुला, अभी काफ़ी सब डाले नहीं है, और खाने की मम्मी कपड़ा धुल के डाल रही है, सब अपना सबका रात में कपड़ा धुल रहा है, क्योंकि पानी मालिक ने बंद कर दिया था। एक्चुअली नीचे वाले से पानी ज़्यादा बर्बाद कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, तो पानी बंद कर दिया मकान मालिक ने। तो शाम को 5 बजे पानी आई, तो हमारा सब कुछ लेट हुआ। वैसे हम शूटिंग करते धूप में ही, धूप में अच्छी शूटिंग होती है, लेकिन पानी नहीं आई थी, वैसे कोई काम नहीं हुआ था। हमारा खाना भी रखा हुआ है, और ये आप देखो कितना रायता फैल गया सारा सफाई होने के बाद, फिर से शूटिंग के चक्कर में ये पूरा अबीर हुआ है। और कुछ ऐसा यहाँ पे हमने भगवान जी को भी अबीर लगाया, चढ़ाया था मैंने थोड़ा सा अबीर, और यहाँ पे तुलसी भगवान को भी हमने, माँ को भी मैंने अबीर लगाया था। आप देखो ये सारा अबीर सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम चेंज करेंगे। और मैंने पहना था ये आउटफिट, आप देख सकते हो वीडियो शूटिंग करने के लिए। और कुछ लोगों को अबीर लगाया हमने, और जो भी होली का बनता है सामान वगैरह, वैसे हम लोग कुछ बनाए नहीं, क्योंकि ऑयली खाना भी फिलहाल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने बाद मुझे शादी में जाना है, इस वजह से भी खुले हुए हैं और खुल जाएंगे। वैसे हाँ, दही बड़ा जरूर बनाएंगे, मेरा मन हो रहा था दही बड़ा बनाने का और खाने का भी, तो दही वाला बड़ा जरूर बनाएंगे, कल हो सकता है बनाएंगे। तो कैसा लगा आप सबको ये छोटा सा होली का ब्लॉग, सिंपल और अच्छी होली, तो कैसा लगा आप सबको? हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करके होली, और शादी के बाद ये शायद पहली घर पे, एक शादी की फर्स्ट होली घर पे थी, तो उस टाइम सारे लोग थे, पापा भी थे सब कुछ, तो घर पे बहुत मस्ती किए थे। सेकंड होली हमारी बहुत ख़राब गई, बहुत ख़राब क्या मतलब, बहुत ही वो था कि होली खेलना मैं भूल गई थी, बहुत माइंड ही वो था मतलब। तो फिर इस होली में, ये जो इस बार का होली है, थोड़ा ठीक भी था, और सभी लोग आए रंग लगाने, सब कुछ था जो भी था, सोचिए थोड़ा सा दुखी ना होकर के, खुश होकर के थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि कितना दुखी होना है, बस थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। तो हमने थोड़ा सा होली सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेट करके वीडियो शूट करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर देखना चाहते हैं हमारा जो भी है इंस्टाग्राम पे रील्स, तो जरूर से जाकर के देखिएगा, मैंने बहुत सारा रील्स बनाया है पर्सनली होली के लिए, तो देखना ना भूलें हमारे चाहत सुशांतो का जो चैनल है, उसका रील्स आपको आएगा चाहत सिंधिया ऑफिशियल पे, जाकर जरूर से देखिएगा। मिलेंगे आप सबसे न्यू ब्लॉग में दोस्तों बहुत जल्द, यानी कि कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, लव यू, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।